तुमने तो सारे ग्रह ही छेड़ डाले। अब ये बड़ा होकर थारे लत्ते पाड़ेगा, लत्ते पतरा देख के। अपनी माँ पे गया यू। यू के कह रहा तू जबरू ना पंडित जी। इसके छठे घर में मंगल और शनि की युति है। बृहस्पति को सूरज ने अस्त कर रखा है। राहु नीच के शुक्र के साथ लग्न में विद्यमान है और लग्नेश बुधमुनि होकर नापसी और चंद्रमा के साथ 12वें स्थान पर पड़ा है। और इसके अलावा ये अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता और मामा पर भारी रहेगा पतरा देख के। यू तो मारा खानदानी गुण है पंडित जी। यहाँ तो बालक पैदा होते ही नहीं बाप पैदा हो। हाँ पंडित जी, नो तो तुम ठीक कह रहे। यहाँ अलंका में सारे 52 गज के ही हैं। पर मुझे पतरा देख के ये बताओ, यहाँ एक आधा ढंका भी जन्मेगा या सारे मरखने ही जाएंगे? हाँ खानदान तो यू मेरा एक ले का ही दे रहा है। अरे तू आगे देख ना पंडित जी। वैसे तो ये बहुत भाग्यशाली है, पर तुम्हें तिगनी का नाच न चावेगा तिगनी का। अब मैं तुम्हें इसके गुण बताता हूँ पतरा देख के। अरे गुणों को छोड़ जबरू, तू इसके उपाय बता। मैं इसके उपाय बताता हूँ पतरा देख के। इस जसोदा ने तो मेहमान ऐसे बुला रखे जैसा जसूटन हो। सारे गांव में भंडारा चल रहा, मारे तो कदी बालक हुआ ही ना, इसके न्यारा बालक हुआ। अरे कदी तो इस मुँह को बंद रख लिया कर, हर वक्त करी ढाल गुड़ गुड़ करती रहे। देखो जी तुम मेरा नाम ना बिगाड़ो, मेरा नाम कली ना राम कली है। हाँ आया देखे, जुबान को बंद रख लिया कर, कदिया महाभारत करवाओ है। आया
मरवा दिया गुरु। इतनी बड़ी मोटरसाइकिल ना दिख रही और ऊपर से दांत फाड़ रही। के है मरखने छोटे की ढाल क्यों लगा रहा, रोक ना सके दई से। और तुझे इतना बड़ा गांडा चूसना जरूरी था, मारी आँख फूट जाती तो के होता, माँ बहन सबको एक ही नजर से देखता। यू तेरी दूसरी आँख का ही तो कसूर है, जहाँ देखी खूबसूरत लड़की वही टक्कर मार दी। टक्कर मार दी या तुमने हमारा गांडा मार दिया, अंधी कहीं की। अंधी कह रहा है बताओ अभी। ए झांसी की रानी की बात है, ये मेरे तक खामा ही खाओ लजरे। मैं तो अपना गांडा चूस रही थी, थमने आके अपना मुँह क्यों मारा इस पे। तू गांडा चूक रही थी, पटा खेल रही थी। तू बीच में मत बोल। क्यों क्यों ना बोलूं? अरे तू इसकी आँख फूट जाती तो तू कर लेती काने के भाई से शादी। मैं क्यों कर लेती काने के भाई से शादी, घना ना बोलना, नहीं मारूंगी तुझे भी। अरे मेरे तो तू करेगी ब्याह, मैं ही तो हूँ इसका भाई। मैं क्यों करती तेरे तो ब्याह, शक्ल देखी है तुमने अपनी। जा पहले गंदे नाले में अपना मुंह धो के आ। भाई ये तो थारी भी झंड करके चली गई। थारी वजह है। अरे पंगा तम करो और भुगतना मुझे पड़े, थारी तो कोई इज्जत है ना, कम से कम मेरा तो ख्याल कर ले करो। ध्यान तो मैं जरूर रखूंगा, और इस झांसी की रानी को अपना ना बना दिया ना तो मेरा नाम बदल दियो। ये तेरा ख्वाब नाम कभी पूरा नहीं होगा। तू क्यों नहीं होने का, मेरी को गलती है। और ना तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए शर्म तो ना आई, मेरी हिमात लेन की बजाय उनकी ठप्पे बोल रहा था। और मैं क्या करता, मेरे ताऊ का छोरा वो, तू के चावे तेरे मेरे प्यार के ढोल पहले पूरे गांव में बज जावे। आज ना तो कल सबको पता चलेगा, जब इतना डरे तो क्यों चावे मुझे। क्योंकि तेरे जैसी सोनी छोरी और कोई दिखाई ना देती। और दिख गई तो मैं उससे शादी कर लूँ। हाँ अच्छा मैं बताती हूँ तुझे, मुझसे मिलके भी सब बनी तुझे। ओ झांसी की रानी मेरी बात तो सुन। के सुनूं मैं तेरी, तू करके दिखा किसी और शादी। मैं बताती हूँ तुझे। अरे यू के कह रहा तू ताके। मैं सच कह रहा हूँ गुरु, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। तो अब नहीं देखने का और ना सुनने का। मुझे क्यों अंधा बहरा बना रहे हो गुरु, सोचना है तो कुछ और सोचो। सोचना तो पड़ेगा, मेरे अरमानों का खून करके देखूं वो कैसे अपनी चोंच बिड़ावे। हाँ कहाँ है तेरा लाल, आज तड़की तो वो दिखाई ना दे रहा। उसके हाथ मोटरसाइकिल की चाबी लग जा पावा कदी, वो क्या पता कहाँ धक्के खाता फिरता होगा। सिर पे तो तेरा ही चढ़ाया हुआ वो। अरे चाचा जी जैसी भी बावली भुंडी मिलती हो उसके फेरे फेर के खूंटे से बांध दो, नहीं तो कल को कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ने का वो। यू तू क्या कर रहा भाई। मैं ठीक कह रहा, कल को कहीं ऊंच नीच होगी ना तो फिर मुझे ना कहियो। ऊंच नीच, साफ साफ बता बात क्या है। अरे बात क्या होती, आजकल किसी लड़की के पीछे दौड़ लगाता फिर रहा। आन दो से घर, आज बता दूंगा उसे, मैं देखूंगा उसे। हाँ भाई। हाँ जी। कहाँ गया था? मैं तो यहीं था। यही कहाँ था, किस्ते में लड़ गया था तू? वो ना करे, मुझे तेरी सब बातों का पता चल गया। सच सच बताइए ना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। तुम पहले मेरी खाल ही उधेड़ लो, मतलब खेतों पे जाके भी गुनाह कर दिया। खेतों पे? तुमने तो कहती खेत में डांगर घुस जाए, उन्हें काटन गया था। अरे उस डांगर का कुछ नाम भी होगा। झांसी की रानी, मतलब डांगरों के भी कोई नाम होते होंगे। माँ तू समझाती क्यों ना है, मैं तो हाँ समझाओगी मुझे, देख कितना बिगड़ रहा। इब मैं के करूं, तुम ही कुछ करो। हाँ करना के है, जवान छोरा ब्याह कर दो इसका, अपना आप ठीक हो जाएगा। ब्याह के लिए एक सुथरी सी छोरी भी चाहिए, और इसकी करतूत देख के कोई देगा ऐसा अपनी छोरी? ऐसी कोई बात ना है, दो चार जगह देखेंगे, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, शादी तो करनी है। किसकी शादी हो रही है? जीत की। किस छोरी से? छोरी का पता लग तो तुझे जरूर बताऊंगा। जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी की बेटे, जयराम जी की, बताओ कैसे आना हुआ? सोचा दर्शन कर आऊं। और सुनाओ काम धंधा कैसा चल रहा है पत्रा वतरा देख के? धंधा तो मंदा पड़ रहा है पत्रा देख के। अब क्या बताऊं बेटा, आजकल के ग्राहक तो इतने कंजूस और बेशरम हो लिए कि चढ़ावा चढ़ाने के बजाय ठाके हो ले जा मैं पत्रा देख के।
पंडित जी तुम भी तो अपनी ड्यूटी सही ना कर रहे। क्या चंद्रभान का छोरा जवान नहीं हो रहा? चंद्रभान का छोरा? चंद्रभान का छोरा हो रहा? जवान हो रहा? रंगपुरे में स्वराज की छोरी जवान नहीं हो रही है? रंगपुरे में स्वराज की छोरी वो भी जवान हो रही, बिल्कुल जवान हो रही। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं है? अच्छी ओए बहुत बढ़िया जोड़ी, बहुत ही बढ़िया जोड़ी पत्रा देख के। तो फिर शादी की बात क्यों नहीं चलाते हो? शादी की बात? शादी की बात चलाओ, जल्दी जाओ। बिल्कुल चलाएंगे, स्वराज की छोरी और चंद्रभान का छोरा। अरे वही तो है चंद्रभान का छोरा, पत्रा देख के दिखे बना रहा और बना भी कुछ ना रहा, पत्रा देख के बेजबर हो रहा, बेजबर पत्रा देख के। बापू रोटी खा लो, बहुत देर होगी। हाँ बेटे आ रहा हूँ अभी, दो एक मिनट का काम रह रहा। के भैया? कुछ ना, वो मकोड़ा था। मार दे सुसरे को। मार दू? हाँ हाँ मार दे। ओए क्यों अपने बाप के नाज पानी का नाश करे? यहाँ के लिए ना आया, पिताजी ने देख लिया तो? हाँ अरे देखेंगे जब तो ब्याह होगा, सुन मेरी बात। घना बेसबर मत बने, क्यों देख रहे? चल जानो मोड़ दूंगी। आ आना, चल आजा। जाओ आ है। पिताजी आ रहे हैं। तो मैं डरूं तेरे बाप ते? सिम्मी यू यहां क्या कर रहा? तेरी वजह से आया होगा ये यहां? हाँ आया तो यू मेरी वजह से ही है। तू इसे घरू लेके चल। घरू ले चलू? और के यू ही क्या करेगा यहां? ठा इसे ठा लू। हाँ हाँ ठा ले इसे, या तेरे से ना उठे यू है? यू तो यू है। कड़सुद्धि कर दी मेरी। पंडित जी सही जगह भी जा रहे हैं हम। बिल्कुल सही जगह, इससे सही जगह तो हो ही नहीं सकती कोई पत्रा देख के। अरे पंडित जी। जी जजमान। आइए पंडित जी आइए बैठिए। राम राम चौ साहब। राम राम जी। बैठ भाई बैठ भाई, यहाँ आ जा। अरे आशु जरा पानी लाइयो। और सुनाओ पंडित जी कैसे रास्ता भूल गए? रास्ता वास्ता ना भूले, हम तो काम ते आए, काम ते पत्रा देख के। राम राम जी। राम राम। पंडित जी को भी? हाँ हाँ मैं भी लूंगा। बेटा ये लो। ये सूरज भान जी हैं, ये चंद्र भान जी हैं, इनके छोटे भाई, और वीरपुर गांव से आए हैं पत्रा देख के। अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, मेरे लिए क्या सेवा है बताइए? सेवा की यू है कि इनके गांव में अच्छी खेती है पत्रा देख के, भरा पूरा परिवार है पत्रा देख के, और सारी की सारी संपन्नता है पत्रा देख के, और इनके एक बड़ा ही नेक छोरा है पत्रा देख के, जिसके लिए थारी छोरी देखने आए पत्रा देख के। छोरा कौन से महकमे में जी? अजी कहाँ का महकमा चोए साहब, आपकी दया था घर में खेती बाड़ी का काम इतना है कि उसी तो फुर्सत ना है, हम तो दोनों उसी में लगे रहे।
पंडित जी आपको लेके आए हैं और मैं भी आपको जानता हूँ बिल्कुल, और आपके बारे में सुना हुआ भी है जी, फिर भला हमें कैसे मना कर सको? अब बताओ मुझे करना क्या है? करना क्या है, कुंडली दे दो बस पत्रा देख के। क्यों? मिलान को और क्या पत्रा देख के। अरे ब्याह की तैयारी तुम भी करो मैं भी करता हूँ, के कुंडली उंडली चलो फिर भी भिजवा दूंगा। सिमी बेटे जरा चाय वाय लाइयो कुछ। और सुनाओ चौधरी साहब। बस राजी खुशी, अब तो यू है कि बालकों का जोड़ मिल जा। बिल्कुल, तो बात बन जा। यजमान ये है कन्या। रुक बेटी। अरे हाँ ले बेटी, चौधरी साहब आपके घर की लक्ष्मी अब हमारी हुई। तो जो साहब चाय पियो। हाँ चाय पियो। गर्म है? आप भी लो। बहुत ही गर्म है। चौधरी साहब कोई मांग वांग हो तो पहले ही बता दियो। अजी कैसी बात कर रहे हो चौधरी साहब, हमें तो बालक सुपात्र चाहिए था सो मिल गया, बस खानदान अच्छा चाहिए था वो हमारा देखा बाड़ा और क्या। सिम्मी बेटा, तुमने मेरा ब्याह पक्का कर दिया और मुझसे पूछी बिना। इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली बात क्यों ना है, मेरा ब्याह कर रहे हो मेरे तो पूछोगी बिना। अच्छा तो घर के सारे काम तेरे से पूछ के ही करने पड़ेंगे, ये रिवाज हमारे खानदान में नहीं है बेटा। तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। अरे राम राम पंडित जी। राम राम अमित बेटे, राम राम। पत्रा देख के आजा, खाना खा ले पत्रा देख के। अरे तन्ने खाना खाने लायक छोड़ा कहाँ? क्यों ऐसा मैंने क्या कर दिया पत्रा देख के? क्या कर दिया तन्ने? करवा दी शादी पक्की जीत की? और के काम है यू मेरा पत्रा देख के, तेरी भी तो कराई थी पत्रा देख के। हाँ वो बात और है, तेरी बहू से अनबन हो गई और उसके मायके वाले उसे वापस ले गए पत्रा देख के। अच्छा भैया, इब उसकी होनी थी सोहोरी, पर तू चिंता क्यों मान रहा, लड्डू तो तुझे भी मिलेंगे खान को पत्रा देख के। ये लो पंडित जी। भाई शादी कराने की दक्षिणा तो मुझे मिल गई पत्रा देख के। अरे ये तुड़वाने की है। तुड़वानी है? किसकी तुड़वानी है? जीत और सिम्मी की। पर भैया तू ऐसा क्यों चाह रहा पत्रा देख के? अब शादी की तारीख पक्की हो गई, अब कुछ ना हो सकता पत्रा देख के। पर कुछ नहीं पंडित जी। हाँ? इतने पैसे तो शादी जुड़वाने के ना मिल रहे जितने मुझे तुड़वाने के मिल रहे पत्रा दे के। दोनों परिवार और उन दोनों के बीच इतनी दूरी पैदा कर दे पंडित जी कि कभी एक ना हो सके। भाई जितने पैसे मिलते जाएंगे दूरी उतनी बढ़ती जाएगी पत्रा देख के। यो न्यारा काम हुआ भाई, शादी करवाने के इतने पैसे ना मिले जितने तुड़वाने के मिल रहे पत्रा देख के। पंडित जी अब देखो मैं क्या करता हूँ पत्रा देख के। Thank you.
होया झांसी की रानी, आज बड़ी उदास लग रही है। तेरे पे कौन सा फर्क पड़ रहा, तुझे कुछ पता भी है? के हो गया? पता है, पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। शादी तय कर दी? अरे तो ये तो बढ़िया करा, मतलब तेरी शादी अब ना होगी तो बुढ़ी हो जाएगी क्या जब होगी? तुझे तो मजाक सूझ रही है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर मेरी शादी तेरे से ना हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की जरूरत ना है, शादी कर ले चुपचाप जहाँ भी हो रही है। माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई की सोचते हैं। तू कर लेगा मुझे छोड़ के किसी और से शादी? जब तेरी शादी हो रही है मैं भी कोई अच्छी सी लड़की देख के कर लूंगा शादी। क्या दल बदलू, मैं भी देखती हूँ तो कौन जुड़ेल शादी करती है, मैं उसकी जान ले लूंगी। रुक तो सही। अरे यार समझ लो चौधरी साहब, आज से थारे घर की अलक्ष्मी मारी हुई। ये बात तुझे कैसे पता? ये बात तो उस बुड्ढे ने कही थी। बुड्ढा ना तेरा ससुर है। मेरा नया ससुर तेरा होगा। मेरा तो ताऊ है वो। तेरा ताऊ है? पर तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? छूने की ललक है, पाने की तरस है, जिसे छूने की ललक है, पाने की तरस है, छूने की ललक है, पाने की तरस है, वो चांद मेरा होगा, हाँ जी हाँ मेरा होगा, पूरा का पूरा होगा, ये दिल बेसब्र है। जिसे छूने की ललक है, पाने की तरस है, छूने की ललक है, पाने की तरस है, वो चांद मेरा होगा, हाँ जी हाँ मेरा होगा, पूरा का पूरा होगा, ये दिल बेसब्र है। जिसे छूने की ललक है, पाने की तरस है, छूने की ललक है, पाने की तरस है। मिट्टी का सौंधापन फीका तुझसे फूलों की खुशबू, भवरा भी भूले बगिया को दिख जाए है जब तू, हाय मिट्टी का सौंधा पन पीका तुझसे फूलों की खुशबू, भवरा भी भूले बगिया को दिख जाए है जब तू, हवाएं तेरे दम से फिजाएं तेरे दम से, आजा तू सामने चम से, ये सांसें बेसब्र है। जिसे छूने की ललक है, पाने की तरस है, छूने की ललक है, पाने की तरस है, बूंदों में दिखता जब बरखा की बौछार हो।